सो हे गाइस, वेलकम टू दी चैनल। आज हम घर पर बुलेट बम बनाएंगे, वो भी मैच स्टिक से। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बुलेट बम बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पेपर की स्ट्रिप चाहिए होगी जिसकी साइज है 3 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर। और हाँ फ्रेंड्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यही साइज का पेपर लेना है, आप इसे छोटा या बड़ा पेपर भी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी स्ट्रिप को हम एक पेन की हेल्प से रोल कर देंगे और इसे ग्लू से चिपका देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी पेपर की पाइप तैयार है, इसे हम साइड में रखेंगे। नेक्स्ट हम एक न्यूज़पेपर लेंगे और इसका एक बॉल बना देंगे। अब इस न्यूज़पेपर के बॉल को हम पेपर की पाइप के पीछे फिट कर देंगे। फिट करने के लिए हम एक पेन का यूज करेंगे। अब इस न्यूज़पेपर के ऊपर हम ग्लू लगा देंगे ताकि सब कुछ अच्छे से सिक्योर हो जाए। अब नेक्स्ट हम मैच बॉक्स लेंगे और इसमें से हम सब मैच स्टिक का पाउडर निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मैच स्टिक का पाउडर निकाल दिया है और ये पाउडर आप देख रहे हो, ये 3 मैच बॉक्स का पाउडर है। अब हम इस पेपर को फोल्ड करेंगे और इस पर एक पेन की हेल्प से रोल कर देंगे ताकि सारा पाउडर एकदम फाइन हो जाए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो, हमारा पाउडर एकदम फाइन हो गया है। अब इस मैच स्टिक के पाउडर को हम थोड़ा थोड़ा करके पाइप में डालेंगे और एक पेन की हेल्प से इसे दबाते जाएंगे। इस बुलेट बम को बनाने के लिए आपको दो चीज का ही खास ध्यान रखना है। एक तो आपका मैच स्टिक का पाउडर एकदम फाइन हो जाना चाहिए और दूसरा, मैच स्टिक का पाउडर भरते टाइम इसे बीच बीच में दबाते रहना है ताकि इसके बीच में थोड़ी भी एयर ना रहे। अगर इसमें एयर रह गई तो ये फटेगा नहीं, ये अनार की तरह वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पाइप में मैच स्टिक का पाउडर भर दिया है। अब हम पाइप के ऊपर ग्लू लगाएंगे और इसके ऊपर एक पेपर को चिपका देंगे। अब इस पेपर को हम सर्कल शेप में कट कर देंगे। नेक्स्ट हम इसके बीच में एक होल करेंगे और इस होल में हम फ्यूज को इंसर्ट कर देंगे। आप इस फ्यूज को कोई भी वेस्ट क्रैकर में से निकाल सकते हो या तो फिर आप इसे घर पर भी इजीली बना सकते हो। इस फ्यूज को घर पर कैसे बनाते हैं इसका पूरा वीडियो मैंने अपनी चैनल पे डाल रखा है, तो आप वहां से देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, फ्यूज को डालने के बाद ये हमारा बुलेट बम बन करके तैयार है। इसी तरीके से मैंने और 3 बना करके तैयार कर दिए है। तो चलिए अब इन्हें टेस्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।